नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकास पाल। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चोरों ने शिक्षक के घर से 35 लाख से ऊपर की लूट को दिया अंजाम। रायबरेली क्षेत्राधिकारी राघवेंद्र चतुर्वेदी एवं प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार ने भ्रमण कर आम जनमानस की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। 7 माह की गर्भवती महिला को पति ससुर व देवरों ने पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। सीए और एनआरसी के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में शामिल हुए कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर। और अब खबरें विस्तार से। जनपद रायबरेली में चोरों ने बहुत ही बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद पुलिस रात की गश्त की पोल खुलती दिखाई दे रही है। जिले में लूट और चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। ठंड के मौसम में सातिर चोरों का गैंग गांव के किनारे घरों को निशाना बना रहा है, लूट और चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला रायबरेली शहर कोतवाली क्षेत्र के दरीबा गाँव का है, जहाँ बीती रात बदमाशों का तांडव देखने को मिला। यहाँ चोरों ने शिक्षक के घर के सदस्यों को कमरे में बंद कर घर में जमकर लूटपाट की है। बताया जा रहा है कि घर में लाखों के जेवरात समेत घर में रखी नकदी करेंसी लेकर चोर फरार हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शहर कोतवाली क्षेत्र के दरीबा गांव में शिक्षक उग्रसेन और चंद्र प्रकाश, जो कि बीएसएफ में तैनात हैं, बीती रात उनके घर में बदमाशों ने घुसकर पहले सभी को कमरे में बंद कर दिया, उसके बाद घर में रखे लाखों के जेवरात और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। बाद में लोगों की आवाज़ सुनकर पास पड़ोस के लोग दौड़े, लेकिन तब तक सातिर बदमाश भाग चुके थे। घटना के खुलासे के लिए मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंची और साक्ष्यों को इकट्ठा किया। पुलिस का कहना है कि घटना के खुलासे के लिए टीम लगा दी गई है, जल्द ही सातिरों का पता लगाकर मामले का खुलासा किया जाएगा। रायबरेली में मकर संक्रांति पर्व की त्योहारी बाजार को देख कस्बे के प्रमुख बाजारों एवं प्रमुख मार्गों पर अधिक भीड़ भाड़ होने के चलते क्षेत्राधिकारी राघवेंद्र चतुर्वेदी एवं प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार सिंह ने भ्रमण कर आम जनमानस की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। इस दौरान अतिक्रमणकारियों को भी क्षेत्राधिकारी एवं प्रभारी निरीक्षक ने सख्त निर्देश दिए हैं। बताते चले कि मकर संक्रांति पर्व के मद्देनजर कस्बे में भीड़ भाड़ वाले प्रमुख मार्गों पर आम जनमानस को चोर उचक्कों एवं अराजक तत्वों से सुरक्षा प्रदान करने का रघावा मार्ग, घसमंडी चौराहा, चंदापुर चौराहा, बछरावा मार्ग सहित 20 बाजार में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान सड़क तक बढ़े अतिक्रमण को देख अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश क्षेत्राधिकारी राघवेंद्र चतुर्वेदी ने दिए। वहीं एंटी रोमियो सेल के प्रभारी विभाकर शुक्ला को अपनी टीम के साथ मुख्य बाजारों में प्रतिदिन गश्त किए जाने को निर्देश दिया गया है। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार सिंह द्वारा कस्बे के प्रमुख पतंग विक्रेताओं की दुकानों पर चाइनीज मांझे को लेकर सघन तलाशी ली गई, जिसमें इन दुकानदारों में भी हड़कंप देखने को मिला। प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार सिंह ने कहा कि चाइनीज मांझा शरीर के लिए घातक एवं कानून द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझा बेचते पाए जाने वाले दुकानदार व खरीदार दोनों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान चौकी इंचार्ज विजय प्रताप सिंह, उप निरीक्षक श्याम चंद्र यादव, विभाकर शुक्ला, रवि सिंह, उपेंद्र छविनाथ सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। रायबरेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गर्भवती महिला को पति ससुर व देवरों ने मिलकर पीट पीट कर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद घर के अंदर ही शव को जला दिया। गर्भवती महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि परिवार कलह से तंग आकर उसने पुलिस को कुछ दिन पूर्व बुलाया था। उसी बात को लेकर परिवार के लोगों ने मिलकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। घटना की सूचना किसी को ना मिल सके, इसके लिए बची राख को पास की नहर में फेंक दिया। मृतका की बहन की सूचना पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने जांच कर पति ससुर व दो देवरों पर हत्या का केस दर्ज किया है। आंगन की तुलसी को आंगन में ही जलाकर किया रात। क्षेत्र के पूरे उजागर मजरे डी निवासी उर्मिला पत्नी रविंद्र कुमार को उसके पति ससुर व दो देवरों ने पीट पीट कर घर के अंदर ही जला डाला, जिसके बाद किसी को सूचना ना मिले इसके डर से राख को घर के पास की नहर में फेंक दिया। मृतका की बहन विद्या देवी निवासिनी गोपालपुर थाना शागीदपुर की तहरीर पर पुलिस ने पति रविंद्र कुमार, पूर्व प्रधान ससुर करमचंद व देवर संजीव कुमार, ब्रजेश कुमार को हिरासत में लेकर हत्या कर शव जलाने का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है।
इस हृदय विदारक घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पर पहुंचे सीओ विनीत सिंह व फॉरेंसिक टीम के प्रभारी ने घटना स्थल की जांच की है, जहां मृतका के शरीर की हड्डियों के टुकड़े व अवशेष बरामद किए हैं। मृतका की दो बेटियां उर्मिला और राधिका, बताया जा रहा है कि मृतका 7 माह की गर्भवती भी थी। बेटी ने किया माँ की हत्या का खुलासा। मृतका की बड़ी बेटी सारिका ने पुलिस को बताया कि मेरे पापा, बाबा व चाचा ने पहले माँ को मारा, फिर उन्हें जला दिया। जलाने के बाद बची हुई राख को नहर में फेंक दिया। बेटी द्वारा घटना का खुलासा करने पर बेटी के मौसी ने पुलिस को लिखित तहरीर दी। गौरतलब है कि पति, ससुर व देवरों ने मिलकर गर्भवती विवाहिता को जलाकर मार डाला और थाने में गुमशुदी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। शक होने पर पता चला कि उसकी हत्या की गई है। विवाहिता की बहन की तहरीर पर पति, ससुर व दो देवरों के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। CAA और NRC के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में 15 दिसंबर से प्रदर्शन जारी है। बीते मंगलवार को कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर भी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में लगातार चल रहे CAA और NRC के प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन में अय्यर ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, जो भी कुर्बानियाँ देनी हो उसके लिए मैं भी तैयार हूँ। अब देखें किसका हाथ मजबूत है, हमारा या उस कातिल का। अय्यर ने आगे यह भी कहा, चुनाव में भाजपा को बहुमत मिला। उन्होंने कहा था कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया? उन्होंने सबका साथ सबका विकास ना करके सबका साथ और सबका विनाश किया है। इस दौरान उन्होंने कहा, आपने ही उनको प्रधानमंत्री बनाया है, आप ही उनको सिंहासन से उतार सकते हैं। सोशल मीडिया पर अय्यर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो न्यूज एजेंसी ANI द्वारा ट्वीट किया गया है। इस वीडियो में अय्यर वही कहते हुए नजर आ रहे हैं जो मैंने ऊपर स्क्रिप्ट में दिखाया है। इससे पहले मंगलवार शाम 4 बजे स्थानीय विधायक आमनतुल्ला खान भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि CAA के खिलाफ जारी सत्याग्रह का राजनीतिकरण न हो, इसलिए अब तक वह इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने हमेशा यहाँ के हालात पर नज़र बनाए रखा था। खान ने कहा कि आज से वह खुलकर इन लोगों के साथ खड़े रहेंगे। यदि पुलिस यहाँ से लोगों को हटाने आएगी तो वह सबसे आगे आकर पुलिस से बातचीत करेंगे। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि शाहीन बाग की महिलाओं का सत्याग्रह इसलिए दुनिया भर के लोगों तक पहुँच कर सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि यह लगातार शांति के साथ जारी है। विधायक ने कहा कि शांति से ही हम अपनी बात पुलिस और सरकार के सामने रखेंगे। उन्होंने वादा किया कि अब इस प्रदर्शन की वह खुद अगुवाई करेंगे। प्रदर्शन स्थल से कुछ ही कदम की दूरी पर स्थित वह अपने कार्यालय पर 24 घंटे मौजूद रहेंगे। वह राजनीति में रहें या न रहें, सत्ता में रहें या बेदखल कर दिए जाएं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वह क्षेत्र की महिलाओं के इस सत्याग्रह के साथ खड़े रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।